गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.4। तो स्टूडेंट, इसमें हमने इसके एक्सरसाइज 7.4 के 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज में एक फर्स्ट टाइप कंप्लीट होती है। अब जो 10th क्वेश्चन है, वहां से एक नई टाइप स्टार्ट हो रही है। टाइप देखिए कौन सी है। तो इंटीग्रेशन के अंदर डीएक्स अपॉन क्वाड्रेटिक या इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 to 15, क्वेश्चन नंबर 10 to 15 इसी टाइप के क्वेश्चन है। इसके बाद एक टाइप और आएगी, वो टाइप है इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। या इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये फॉर्म है। अब दो टाइप के क्वेश्चन बचे हमारे पास। एक कौन सी टाइप है, अगर न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक या अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ जाए। आप चेक कर ले कि क्वेश्चन नंबर 10 to 15 सेम, सारे के सारे इसी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। अब अगली टाइप क्या है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, आप चेक करेंगे सारे इसी मेथड से है। क्वेश्चन नंबर 16 to 23 तक ये सेम इसी मेथड से क्वेश्चंस हैं। देखिए अब इनमें से मैं पहले इस टाइप का एक या दो क्वेश्चन कराऊंगा, दो क्वेश्चन इसके कराएंगे और फिर एक क्वेश्चन इसका करा देंगे, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इन पे बेस्ड आता है, एक एक क्वेश्चन आप भी करेंगे तो आपको आ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन है तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप पे आते। फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूं 11। अब 11 में आप कहेंगे सर अंडर रूट वाला करा दीजिए, फर्क कितना है अंडर रूट में बिना अंडर रूट में, कि अंडर रूट अगर है तो अंडर रूट का फॉर्मूला लग जाएगा, अगर अंडर रूट नहीं है तो बिना अंडर रूट का फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं इसमें अंडर रूट भी बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंटीग्रेशन 1 upon 9x² + -6x + 5dx + 6x + 5, ठीक। ये क्वेश्चन है। यहां से हमें देखते ही पता चल रहा है कि न्यूमिरेटर में कॉन्स्टेंट है मीन्स 1 है या dx कह दें, और अपॉन में क्या है क्वाड्रेटिक। पहली चीज तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात कि हमें x स्क्वायर का कॉन्स्टेंट क्या चाहिए, 1। ये आप 10th क्लास में पढ़ के भी आए, नहीं आता हो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ के आए हैं अभी नहीं ध्यान में, तो मैं सारी बातें वापिस बताऊंगा। क्या चाहिए x स्क्वायर का कॉन्स्टेंट, क्या चाहिए 1। अगर 1 नहीं है तो उसको क्या ले लो कॉमन। आप कहें सर अंडर रूट हो देन क्या करेंगे, अंडर रूट है तो अंडर रूट के बाहर 9 ले लीजिए तो क्या आएगा कॉमन 3। मेरी बात क्लियर, फिर वापस देखिए। अब मैं पहले तो x स्क्वायर का कॉन्स्टेंट 1 बनाऊंगा, कैसे बनेगा, dx अपॉन 1/9 को मैंने बाहर लिया, यहां आ गया x² + 6/9x + 5/9। कोई डाउट, क्योंकि कॉमन लिया है तो सबके अपॉन में आ जाएगा 9, ठीक है ये बात। अब इसको मैंने कैंसिल किया तो क्या बचा यहां पे, 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 2/3x + 5/9, ये चीज आ गई। यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है, ओके। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे, पूरी एक्सरसाइज जो ये 6 क्वेश्चन बताए सारे के सारे सेम एज इट इज मेथड। पहला मेथड क्या है, अगर आपको हो सकता है पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जैसे क्वेश्चन नंबर 10th में है, तो कुछ भी नहीं करना है क्योंकि पहले ऑलरेडी 1 है, चाहे अंडर रूट है या नहीं है, अंडर रूट के अंदर सारा काम करते रहना, ठीक है। अब अगली बात आती है x का कोएफिशिएंट लेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है 2/3, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10th क्लास में पढ़ के आए, वही सेम काम करूंगा मैं। देखिए प्लस का 2/3 लिया, x का कोएफिशिएंट लेंगे, कब लेंगे जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन जाए 1, क्या लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या कोएफिशिएंट ऑफ x 2/3 प्लस का, अगर यहां माइनस है बीच में तो माइनस का 2/3 साइन के साथ लेना है, उसको ऑलवेज ऑलवेज 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
क्या करेंगे, 1/2 से एक्स का कोएफिशिएंट लिया साइन के साथ और फिर उसको 1/2 से ऑलवेज मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से 2 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया और उसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। फिर वापस देखिए क्या किया मैंने कि x का कोएफिशिएंट उठाया साइन के साथ और इनटू में 1/2 कर दिया और उसका क्या करना, होल स्क्वायर, ऑलवेज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये काम करना है। फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, x का कोएफिशिएंट लेंगे साइन के साथ, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। अब हमने देखा 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया 1/9। 1/9 आने के बाद क्या करेंगे, सुनिए 1/9 तो बाहर है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2/3x। क्या करना है, जो लास्ट कांस्टेंट वैल्यू है उससे पहले उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस का 1/9 माइनस का 1/9 और प्लस का 5/9। फिर वापस मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना ये बात, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये सब क्वेश्चनों में सेम चलेगा। मैंने क्या किया, x का कोएफिशिएंट लिया, कब लेना है, जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो, 1, ठीक है। x का कोएफिशिएंट लेने के बाद उसको 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया, उसका क्या करना, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर किया तो क्या आया, 1/9। लास्ट डिजिट से पहले, कॉन्स्टेंट वैल्यू से पहले, वो जो 1/9 आया उसको पहले तो एड करना, पहले क्या करना, एड, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और लास्ट डिजिट बाद में लिखनी है। ये चीज क्लियर, अब ध्यान से सुनना ये बात, जो पहली तीन टर्म्स है, यहां पे क्या लगा दीजिए, x, यहां पे क्या लगा दीजिए, x। अब ये क्या बना, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, क्या बना, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बनेगा, ऑलवेज है। अगर यहां बीच में माइनस होता, यहां क्या होता, -2/3, तो ये क्या बनता, x -2/3 का होल, 1/3 का होल स्क्वायर बनता। देखिए क्या लिखा, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1/9 बाहर है, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये बात होगी पहली तीन टर्म्स, बच गई बाद की दो टर्म्स, इन दोनों का क्या लो, एलसीएम, 9 एलसीएम आया था, 4/9 आ गया, नहीं आ गया, प्लस का 4/9। अब फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया, dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये कर दिया। अब हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, आप देखेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन रहा है, चेक कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बिना अंडर रूट के, tan इनवर्स फॉर्मूले में 1/a भी आता है, 1/a tan इनवर्स x / a, क्या बना, 1/9 इंटू या अपॉन में, इंटू में आएगा 1/a, तो 1/2/3। फिर वापस सुनिए, 1/9 तो बाहर है, फॉर्मूला होता है 1/a, 1/a tan इनवर्स x / a प्लस c। अब मैं थोड़ा सा इसको क्या कर ले, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 3 9, तो क्या आ गया, 1/6 tan इनवर्स, अब ये 3 इंटू में जाएगा, तो इंटू में गया था 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 अपॉन में 2 प्लस c, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/6 tan इनवर्स क्या आया, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1/2 प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट, फिर मैं वापिस एक इस क्वेश्चन को वापिस कंप्लीट रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्या था क्वेश्चन, था ये कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें पहले क्या करना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, 1 हम नहीं है तो कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट लिया साइन के साथ और उसको ऑलवेज 1/2 से, ऑलवेज 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया, उसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने के बाद जो भी आया वो लास्ट टर्म से पहले एड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर लास्ट टर्म लिखनी है, जो पहली तीन टर्म्स होंगी उस वहां पे क्या लगा दो, x, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन गई, ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। जो दो टर्म बची इनका क्या ले लिया हमने, एलसीएम लिया, क्या आया एलसीएम, 9, 4 -1, 5 -1, 4, तो इसको लिख दिया 4/9,
फोर बाई नाइन बन गया टू बाई थ्री का होल स्क्वायर। अब यहां से फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है, क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला था वन बाई ए, वन बाई ए क्या टू बाई थ्री, वन बाई टू बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अब यहां से बच गया वन बाई सिक्स टेन इनवर्स थ्री रेसिप्रोकल इन टू में आ गया तो थ्री एक्स प्लस वन बाई टू ई आ गई। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इनमें से, देखिए अंडर रूट वाला और करा रहा हूं, एक क्वेश्चन अंडर रूट का करवा देता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या है अंडर रूट के अंदर 8 प्लस 3x ये है। तो यहां पे आपको नजर आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। इसका मतलब पहली चीज को हम सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे क्या कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 8, क्लियर यहां तक। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, मैंने अभी आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का कॉन्स्टेंट क्या आना चाहिए प्लस 1, बट यहां पे माइनस है, माइनस कभी भी अंडर रूट से बाहर कॉमन नहीं आ सकता, क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता अंडर रूट में माइनस 1 क्या होता है आयोटा होता है, आप जानते ही ये बात, इसका मतलब अंडर रूट से बाहर कभी भी माइनस नहीं आ सकता। अब आप कहेंगे सर अगर ऐसा आ जाए तो क्या करें, हमें तो वन चाहिए, वन चाहिए तो क्या करें, अंडर रूट के अंदर ही माइनस को कॉमन लेना है, कैसे, देखिए डीएक्स अपॉन अंडर रूट माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस एट, ये चीज आ गई क्लियर। अंडर रूट के अंदर ही हमें सारा काम करना है, माइनस पड़ा रहेगा ब्रैकेट के अंदर ही करना है। अब हमने देखा हमारे पास एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है वन, अब एक्स का कोएफिशिएंट उठाया क्या है माइनस थ्री, माइनस थ्री लिखकर इनटू में क्या कर दिया वन बाई टू और होल स्क्वायर कर दिया। फिर वापस सुनिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहां पे वन, अब हमने एक्स का कोएफिशिएंट उठाएंगे क्या किया एक्स का कोएफिशिएंट माइनस थ्री इनटू में क्या करते वन बाई टू और उसका क्या कर देते होल स्क्वायर, क्या है भाई होल स्क्वायर का माइनस का तो प्लस हो गया नाइन बाई फोर, लास्ट डिजिट से पहले लास्ट हमसे पहले उसको ऐड करना और फिर सबट्रैक्ट करना, कैसे करेंगे dx अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्या आया था 9 बाई फोर, प्लस का 9 बाई फोर माइनस का 9 बाई फोर और प्लस का 8, ये ब्रैकेट क्लोज क्लियर। फिर वापस देखिए ओके ठीक है यहां तक, यहां पे क्या आएगा माइनस कॉमन लिया तो यहां 8 भी किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा और यहां पे भी 8 किसका आ जाएगा माइनस का। फिर मैं वापस एक बार बता दूं यहां से मैंने क्या लिया माइनस को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद माइनस का 3x और माइनस का 8, x का कोएफिशिएंट उठाया माइनस 3 इनटू में 1 बाई 2 कर दिया और उसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, तो प्लस का 9 बाई 4 माइनस का 9 बाई 4 और लास्ट टर्म ठीक है पहली तीन टर्म्स यहां पे क्या लगा दो x, क्या बनी x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो पहली तीन टर्म्स बन गई, कैसे लिख देते हैं यहां इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट माइनस x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, पहली तीन टर्म्स ठीक है। अब ये बचे इन कैल्सियम लेंगे 8 फोर 32 माइनस 9 41, 41 बाई 4 माइनस का 41 बाई 4 ये आ गया। अब क्या करें इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं, इस माइनस को अंदर लेके गए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या आया इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 41 बाई 4 माइनस x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई। बट बात ये रह गई कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बनाना है, इसका स्क्वायर बन ही नहीं सकता, कैसे बनेगा अगर ना बने तो, अंडर रूट 41 बाई 2 का होल स्क्वायर लिख ले इसको कैसे, देखिए dx अपॉन अंडर रूट रूट 41 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब फॉर्मूला बन गया अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए साइन इनवर्स एक्स क्या है
एक्स माइनस थ्री बाई टू अपॉन में ए रूट 41 बाई टू प्लस सी। अब 2 क्या हो जाएगा, इनटू में चला गया, तो क्या आया साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन में रूट 41 प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए रिपीट करेंगे। क्या था क्वेश्चन कि dx अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक थी, हमने क्या किया इसका कोएफिशिएंट, पहले तो इसको सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक बड़ी पावर आगे रखी, फिर हमने क्या किया माइनस को कॉमन लिया अंडर रूट के अंदर ही, क्यों अंडर रूट से बाहर कभी भी कॉमन नहीं आ सकता माइनस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ये ले लिया। अब हमने क्या किया, अगला स्टेप क्या था, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो तो हम एक्स का कोएफिशिएंट लेते हैं, क्या लिया माइनस 3 इंटू में 1 बाई 2 करते हैं और उसका क्या कर देते होल स्क्वायर, तो क्या है 9 बाई 4 लास्ट टर्म से पहले एड कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। अब पहली फर्स्ट 3 टर्म्स x यहां लगा देंगे, x माइनस 3 बाई 2 का क्या बनेगी होल स्क्वायर, और दोनों जो ये दो टर्म बची इनका मैंने क्या ले लिया एलसीएम, क्या आया 41 बाई 4, ठीक। अब हमने क्या किया इस माइनस को अंदर ले गए, तो ये प्लस का अगर ये माइनस का ये आ गए। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला बन रहा है हमारा, इसको होल स्क्वायर बनाना है, तो 41 को रूट 41 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये लिख दिया रूट 41 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस दिस। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाया हमने अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 इंटू में चला गया 2x माइनस 3 बन गया और अपॉन में रूट 41 प्लस सी, ठीक है। अब यहां से इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, एक क्वेश्चन इसी टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, देखिए थोड़ा सा उसके बारे में कंप्लीट आप कर लेंगे, उसकी मैं फॉर्म बना देता हूं, आगे आप कर लेंगे, देखिए थोड़ा सा फॉर्म बना दूं, फिर जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। इंटीग्रेशन 15 क्या है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी, ये गिवन है। इसका क्या किया पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस का ए बी, ये फॉर्म बन गई। अब यहां से x कॉमन ले लिया हमने, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स कॉमन ले लिया ए प्लस बी, या इसको ऐसे लिख दूं क्या कि ए प्लस बी एक्स माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है प्लस ए बी। यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1। अब हम क्या करते हैं एक्स का कोएफिशिएंट लेते हैं साइन के साथ, ये लिया इंटू में क्या करते हैं 1 बाई 2 और उसका क्या कर देते हैं होल स्क्वायर, मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4, क्या किया डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 और प्लस में ए बी। क्लियर यहां तक, नो डाउट। अब क्या किया पहली 3 टर्म्स क्या बनेगी एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, मैं थोड़ा सा उस साइड कर देता हूं, ये मैंने इसीलिए करवाया, इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। क्या किया इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट पहली 3 टर्म्स बन गया एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बचा। अब ध्यान से सुनना जो मेन बात है वो, अगर मैं इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन ले लूं तो यहां माइनस आएगा या नहीं आएगा, क्या मैं बता देता हूं, माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बी, ये बन गया हमारे पास। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि ये होल स्क्वायर बन गया कॉन्स्टेंट, प्लस का 4 ए बी आएगा और यहां पे प्लस का माइनस कॉमन लिया तो ये तो माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ध्यान से सुनना। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको जो कंफ्यूजन रहेगा वो बता रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी,
एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4ab, तो माइनस का 2ab बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन 4। नहीं था क्लियर हुई हो पूछ लो, वापस रिपीट कर रहा हूं, इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 4ab अपॉन में 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए 2ab बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो इसको, क्या बना इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर होगी या नहीं होगी, पता चल गया ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाया, ठीक है, और अपॉन में 4 था तो 2 का होल स्क्वायर बना दिया। अब एक्स तो कंप्लीट ये हो गया, एक्स कंप्लीट, और ए क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बन गया, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस ए एज इट इज, तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अब आगे कर लेंगे, ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, तो जो नेक्स्ट एक टाइप बच गई है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।